हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी? होप आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे क्लिनिक सिटी ऑफ इंडिया मिनी मुंबई माँ अहिल्या की नगरी के नाम से जाने जाने वाले इंदौर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको हर जगह की जहाँ जहाँ हम जाने वाले वहाँ की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिससे कि आप डिसाइड कर सकते हो कि हमको कौन कौन से लोकेशन पे जाना है, किस लोकेशन हमारे टाइप के, हम गाँव घूमना पसंद करते हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी। तो सबसे पहले जो लोकेशन होने वाली है, आप मेरे पीछे देख सकते हो, राजवाड़ा पैलेस है। इंदौर का सेंटर पॉइंट के नाम से जाना जाता है। मल्हार राव होलकर, जो होलकर वंश के संस्थापक थे, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 7 मंजिला इमारत है, जिसमें ऊपर की मंजिलों का निर्माण लकड़ी से किया गया है और नीचे की जो मंजिल है उनका निर्माण पत्थर के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, आप चलते हैं अंदर। ये है मेन गेट, लेंगे सबसे पहले टिकट, फिर उसके बाद अंदर चलेंगे। तो अंदर का एक ओवरव्यू आपको पूरा बता देंगे, तो आप महल एक बार समझ सकते हो कैसा पूरा महल है। ये मुख्य द्वार है जो कि काले पत्थर में बना हुआ है। और ये रहा टिकट, टिकट लेते हैं। जो टाइम होने वाला है यहाँ का, सवेरे 11 बजे से शाम 7 बजे तक होने वाला है और सोमवार को अवकाश रहता है, इस बात पे जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों, इस महल की आप खूबसूरती का अंदाजा लगा सकते हो, कितना ज्यादा खूबसूरत है। टिकट ले लिया है, 20 रुपए का हमको टिकट पड़ा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो दोस्तों, सही में बहुत ही ज्यादा सुंदर पहले से आपका यहाँ पे आना बनता है। फर्स्ट लोकेशन इतनी सुंदर, तो आगे की लोकेशन और बहुत अच्छी होने वाली। तो पहली लोकेशन होने वाली आपकी राजवाड़ा। और राजवाड़ा आ रहे तो आसपास में लोकल मार्केट बहुत ही ज्यादा अच्छा है, सराफा मार्केट हो गया, कपड़ा मार्केट हो गया, और पीछे मंदिर भी, वहां भी आप विजिट कर सकते हो। आप चलेंगे सेकंड लोकेशन। सेकंड लोकेशन जो होने वाली कृष्णपुरा की छतरी होने वाली, यहाँ से 100 से 200 मीटर की दूरी पर है। तो बाय वॉक भी आप जा सकते हो, बाय इलेक्ट्रिक जो रिक्शा वो भी आप ले सकते हो। तो चलते सेकंड लोकेशन पे। तो दोस्तों, पहली जो लोकेशन थी आपने देखी राजवाड़ा, अब आ गए सेकंड लोकेशन पे, जो है कृष्णपुरा की छतरी। तो राजा होते थे, राजवंश परिवार वाले साहब होते थे, उनकी मृत्यु उपरांत उनके दहन स्थल पे स्मारक बनाए जाते थे, उन स्मारकों को छतरिया कहा जाता था। तो ये जो छतरी है वो कृष्णा भाई होलकर की छतरी है, जो की यशवंतराव होलकर की उपपत्नी थी। उनकी मृत्यु उपरांत यहाँ पे उनका दहन किया गया था और उनकी याद में इस स्मारक का निर्माण कहा गया, जिसे कहा जाता है कृष्णपुरा की छतरी। तो दोस्तों, होलकर राजवंश की ये खासियत थी, जहाँ भी उनकी स्मारक या छतरी बनाई जाती थी, वहाँ पे शिवजी का मंदिर का निर्माण कराया जाता था। तो आप जहाँ भी होलकर वंश की जो भी छतरियाँ देखेंगे, जो भी उनकी, जहाँ पे उनका दहन किया गया है, वहाँ पे उनका स्थल देखेंगे, वहाँ पे आपको शिवजी के मंदिर का मंदिर बना हुआ दिखेगा, क्योंकि वो शिवजी को बहुत ज्यादा मांगते थे। तो आप ये छोटी छतरी आप देख सकते हैं, जो मुख्य छतरी है वो वहाँ पे सामने है। तो दोस्तों, आपके सामने ये पूरी कृष्णाबाई होलकर की मुख्य छतरी, आप देख सकते हैं पूरी छतरी को। अब जाएंगे हम थर्ड लोकेशन पे, जो कि ये गांधी होली। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, ये थर्ड लोकेशन है, आप कृष्णपुरा की छतरी आपने देखी। अब थर्ड लोकेशन पे आपको आना है, जो कि एक गांधी हॉल। इसका निर्माण 1904 में हुआ था, इसको उस समय इसका नाम रखा गया था एडवर्ड हॉल। बाद में आजादी के बाद 1948 में इसका नाम चेंज करके गांधी हॉल कर देगा, जिसका पूरा नाम महात्मा गांधी हॉल था। और इंदौर की बहुत ही ज्यादा, मतलब सभी इमारतों में एक सबसे ज्यादा खूबसूरत इमारतों में इसे गिना जाता है। दोस्तों, अब अंदर थोड़ा चलते और कुछ ही
समय पहले इसका पूरा रिनोवेशन करा गया है, तो इसकी खूबसूरती और बढ़ गई है। और ये क्लॉक टावर है, आप देख सकते हैं ये घड़ी। दोस्तों आपने देखा अभी बाहर से जितना खूबसूरत है उससे कई गुना खूबसूरत ही अंदर से। जो यहाँ का रिनोवेशन हुआ है वो पूरा जो पुराने स्टाइल में था उसी स्टाइल में बना हुआ है। देख सकते हैं आप पूरे जो रूफ है वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत रखी हुई है। और आप ये सामने बैठने की जगह देख सकते हैं, पहले के समय यहाँ पे होता था नृत्य हो गया, कोई भी प्रोग्राम होता था तो राजा महाराजा जो भी लोग रहते थे, महारानियाँ रहती थी, वो वहाँ पे बैठकर पूरे जो प्रोग्राम रहता था उसका आनंद लेते थे। और रिनोवेट करने के बाद तो इसकी खूबसूरती में चार चांद लग गए। तो दोस्तों ये थी थर्ड लोकेशन गांधी हॉल, अब चलेंगे चौथी लोकेशन फोर्थ लोकेशन की तरफ जो कि होने वाली कांच मंदिर। तो दोस्तों जो चौथी लोकेशन वाली वो होने वाली चार कांच मंदिर, बहुत ही ज्यादा फेमस है इंदौर का कांच मंदिर। पूरा जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कांच मंदिर है, पूरा अंदर कांच का वर्क करा गया है, सेठ हुकुमचंद द्वारा बनाया गया था। और आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको आना है मधुरम सैंडविच जो कि सामने पूरा आप देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे वायरल सैंडविच है ये, तो यहाँ पे जरूर आना है आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे टूरिस्टों का तांता लगा रहता है, बहुत ही ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, बहुत ही ज्यादा फेमस है ये कांच मंदिर। अंदर पूरा कांच की कलाकृति करी गई है, तो अंदर चलते हैं और जितना हो सकेगा आपको अंदर बताएंगे, पूरा कांच का वर्क है। दोस्तों आप देख सकते बहुत ही ज्यादा सुंदर है और पूरा कांच से पूरा अलंकृत है, पूरा झूमर हो गया, एक कांच यहाँ के बनाया गया है। तो जिस फ्लोर पर अभी हम चल रहे हैं वो भी पूरा कांच का है। आप देख सकते हैं पूरा ऊपर से लेके नीचे झूमर पूरा कांच का है। और ये देखिए यहाँ पे आना आपका बनता है तो एक अलग ही अनुभव है, पूरा सजो के रखा हुआ है। तो दोस्तों ये आपकी फोर्थ लोकेशन देख सकते कितनी ज्यादा खूबसूरत है और कितनी अच्छी नक्काशी कर रखी है एक छोटे खास। तो दोस्तों अब हम निकलेंगे फिफ्थ लोकेशन के लिए जो कि होने वाले छत्रीबाग जाएंगे, पूरी छत्रिया बताएंगे वहां पे। दोस्तों जो फिफ्थ लोकेशन होने वाली है वो होने वाली है हरिराव होलकर की छतरी, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। इंदौर में जितनी भी छतरियां हैं उनमें सबसे ज्यादा सुंदर छतरी जो गिनी जाती है वो हरिराव होलकर की छतरी को गिना जाता है। दोस्तों जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पे आपको देखने मिलेगी बावड़ी, आप देख सकते हैं और साफ है बिल्कुल बावड़ी। और ये आप सामने देख सकते हैं जो हरिराव होलकर जी था उनका समाधि स्थल। तो दोस्तों ये जगह अपने आप में एक बहुत ही अनूठी है और इंदौर वाले भी ऐसी जगह पे मेरे को लगता है बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं आए होंगे और बहुत ही ज्यादा सुंदर, आप देख सकते हैं सुंदरता का अंदाजा आप इसको देख के लगा सकते हैं कितनी अच्छी कलाकृति करी गई है सब जगह। दोस्तों अब चलते हैं अंदर हरिराव होलकर जी की छतरी में, एक मतलब आप यहाँ की खूबसूरती देख सकते, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और सब में अनूठी और सब में अच्छी। आप देख सकते हैं यही हरिराव होलकर जी का और जो यहाँ की परंपरा है, हर समाधि स्थल पर शिव जी की प्रतिमा शिवलिंग स्थापित है। तो दोस्तों ये थी हमारी फिफ्थ लोकेशन, अब सिक्स लोकेशन जा रहे हैं वो जिसे छतरीबाग के नाम से जाना जाता है, वो प्रॉपर छतरीबाग है। ये छतरीबाग के अंदर ही हरिराव होलकर की छतरी थी। तो दोस्तों ये है हमारी सिक्स लोकेशन, जैसा कि मैंने हरिराव होलकर की छतरी पे आपको बताया था जो सिक्स लोकेशन होने वाली छतरीबाग। और यहाँ पे आपको मिलने वाली
जितने भी यहाँ के होलकर स्टेट के राजा रहते हैं उनकी सारी समाधि है, उनकी समाधि पे बनी हुई छतरिया। तो ये सबसे पहली छतरिया एंटर करते थे तो ये मल्लौर और होलकर की छतरी देख सकते हैं आप। पूरी छतरी को वाइड एंगल में आपको पूरी बताता हूँ, ये देखिए। तो दोस्तों ये थी मल्लौर और होलकर की आपने पहली छतरी देखी, ये सेकेंड छतरी है। तो ये जो छतरी होने वाली वो तुकोजी राव होलकर की छतरी है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, ये भी सेम ब्लैक पत्थर में। तो दोस्तों ये यहाँ पे थी पूरी दो छतरियाँ बनी हुई है, अंदर भी तीन छतरियाँ बनी हुई है। जल्दी जल्दी अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर की छतरियाँ पूरी। तो दोस्तों ये जो छतरी नाली वो खांडेराव होलकर जी की होने वाली है। ये है यहाँ की पांचवी छतरी, आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। तो दोस्तों ये थी हमारी सिक्स्थ लोकेशन ज्योति छतरी बाग, अब हम ले चलते हैं आपको लालबाग पैलेस। तो दोस्तों आ गए लालबाग पैलेस। इस पैलेस को बनाने की योजना तुकोजी राव द्वितीय द्वारा 1887 में की गई थी। इस पैलेस का निर्माण शिवाजी राव होलकर के निवास स्थल के लिए किया गया था। यह पैलेस पूरा यूरोपियन शैली में बना हुआ है और यहाँ पे जितना भी मार्बल का उपयोग हुआ है वो पूरा इटालियन मार्बल है। तो चलिए जल्दी जल्दी से आपको दिखाते हैं पूरा लालबाग, फिर जाएंगे अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। तो दोस्तों निकल गए हैं हमारी नेक्स्ट लोकेशन के लिए जो होने वाली विजयासन माता मंदिर, एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है। तो चलते हैं जल्दी वहाँ पे। 7th लोकेशन आपकी विजयासन माता मंदिर जो एयरपोर्ट से बहुत पास लगता है, अगर आप बाय प्लेन आ रहे हो तो यहाँ पे पहले दर्शन कर ले। जो दूसरी लोकेशन देखी आपने उसका कुछ टाइमिंग है, 11 बजे के बाद वो ओपन होती है 10 बजे के बाद, तो उसके पहले आप यहाँ पे विजयासन मंदिर आ सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट लोकेशन आएंगे वहाँ भी आप विजिट कर सकते हो। तो आप चलेंगे अंदर और आपको बताएंगे, बहुत ही ज्यादा इंदौर का फेमस मंदिर है तो यहाँ पे आना आपका बनता है। दोस्तों ये है विजयासन माता, जरूर आया बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों यहाँ के दर्शन करने का था, आप जैन टेंपल भी है पास में 2 किलोमीटर की दूरी पर, गोमटगिरी करके तीर्थ स्थल है जैन लोगों का, आदि देव की बहुत ही बड़ी मूर्ति है वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट लोकेशन होने वाली वो होने वाली है पितृ पर्वत, तो चलते हैं पितृ पर्वत ऊपर। तो दोस्तों विजयासन दर्शन करने का था, आप जैसे ही लोटस वैली के लिए निकलेंगे रास्ते में आपको पड़ेगा पितृ पर्वत, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी हनुमान जी की बहुत ही विशालकाय प्रतिमा जो अपने आप में काफी सुंदर है। तो यहाँ पे जरूर एक बार दर्शन करके जाए आप, थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों आप ये ऊपर पूरा फ्लोर बना हुआ है, वहाँ पे आके प्रतिमा के दर्शन कर सकते हैं, देखिए कितनी विशाल टाइप की है, गधा भी देख सकते हैं। दोस्तों ये थी लोकेशन, गुलावट जाते समय बीच में आपको पड़ेगी पितृ पर्वत, तो यहाँ पे जरूर दर्शन करके आए। अद्भुत प्रतिमा है, बहुत ही विशाल काय अष्ट धातु की बनी हुई है,
तो यहाँ पे दर्शन करेंगे, एक अनुभव अलग ही अनुभूति आएगी इतनी बड़ी प्रतिमा को देख के। देखिए आप, बहुत ही ज्यादा मतलब मजा आ गया देख के, तो आप भी जल्दी आए। तो दोस्तों, पितृ पर्वत के दर्शन के बाद आपको आना है लोटस वैली, थोड़ी सी दूर है वहां से, बहुत ही अच्छी लोकेशन है, तो यहाँ पे जरूर आए। तो दोस्तों आ गए हैं गुलावट लोटस वैली, आप देख सकते हैं कितने सारे लोटस है, बिल्कुल आपका यहाँ पे आना बनता है। नेचर लवर हो आप तो बिल्कुल आप एक बार आए, आप लोटस देखे, ये पूरा जो पूरा नजारा आपका मन मोह लेगा, आना बनता है। और जो लोकेशन की बात करो, आप लोकेशन गूगल मैप पे डालेंगे गुलावट करके या फिर लोटस वैली करके, तो आपको सारी लोकेशन मिल जाएगी। जितनी भी अभी तक लोकेशन बताइए वो सारे आप गूगल मैप पे डाल के जा सकते हो, वहाँ पे इजीली आपको लोकेशन मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आपको पूरी लोटस वैली दिखाते हैं, अभी ये इस छोटा सा पार्ट है, आगे बहुत बड़ा लेक है। तो दोस्तों अब लग रही है भूख, अब चलेंगे जल्दी 56 पे फूड स्ट्रीट ऑफ इंदौर, बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिलता है वहाँ पे, तो जल्दी जल्दी चलते हैं और पूरा 56 भी बताएंगे क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों आ गए इंदौर की आन बान शान 56 दुकान। तो दोस्तों फूड स्ट्रीट है इंदौर की, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फूड मिलता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो दोस्तों आप यहाँ पे बीच में भी आ सकते हैं, हम थोड़ा लेट आए, तो आपको जब भूख लगे आप यहाँ पे आ सकते हो, बहुत सारी चीजें आपको खाने को मिलेगी। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, पूरी 56 दुकान इसका नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पूरी 56 दुकान है, दोनों साइड आप देख सकते हैं, दोनों साइड दुकानें हैं। ये विजय चाट हाउस यहाँ पे खोपड़ा पेटी बहुत ही ज्यादा फेमस है, अगवाल स्वीट एजे सैंडविच, मतलब आपको एक से एक चीजें मिलने वाली है यहाँ पे। और आप क्लीननेस देख सकते हैं, सफाई साफ साफ चल रही है, तो बिल्कुल यहाँ पे आना तो आपका मतलब यहाँ पे तो आपको आना ही चाहिए। तो दोस्तों ये था 56 दुकान। इसके सिवा आप इंदौर में खजराना गणेश मंदिर भी जा सकते हैं, गणेश जी का बहुत ही ज्यादा फेमस मंदिर है। उसके सिवा अगर आप एडवेंचर पार्क जाना चाहते हो तो इंदौर में सिमचा और माचल एडवेंचर पार्क है, वहां भी आप जा सकते हो। और नाइट में सराफा जाना ना भूले, सराफा नाइट में फूड स्ट्रीट है जहाँ पे जिसकी स्टार्टिंग टाइमिंग है 10 बजे, 10 बजे से 3-4 बजे तक ओपन रहता है, और आपको वहाँ पे भी मिलने वाला है एक से एक प्रकार की फूड व्यंजन आप बोल सकते हो, तो वहाँ पे जरूर जाए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।